Okay, Prashant, so let's proceed ahead with your HR for HPCL. We start with a brief introduction. Yes, sir. Good morning, sir. My name is Prashant Singh. I am born and brought up in Madhya Pradesh. I have done my schooling of 10th and 12th from Madhya Pradesh. And then I have done my graduation from AKGEC Ghaziabad in Mechanical Engineering. And I'm right now I'm pursuing my M.Tech from NIT Trichy in Manufacturing Technology. In my graduation, I have done project. My major project was on designing and simulation of electric vehicle, where we have made a different configuration and make one prototype also. In my M.Tech, my major project is on FDM machine, where I have make prototypes. And my aim was to find the optimum object with a minimal weight and highest strength. And in my graduation, I have done my internship in DMRC, where I have learned about the organization and various things and about technical skills. And in one more, I have done my internship in ATPS, our Contact Thermal Power Station, where I have got the opportunity to visit some of the different departments, and I have learned about that also. That's my. Prashant, aap abhi kaun se semester mein hai NIT Trichy mein? सर फोर्थ सेमेस्टर लास्ट सेमेस्टर में. ओके, तो आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्रोजेक्ट किया था अपने बीटेक में, क्या किया था उसमें आपने? सर हमने ऐसा किया था कि इलेक्ट्रिक व्हीकल कॉन्फ़िगरेशन उसमें तीन तरह के कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, लाइक पैरेलल, सीरीज एंड हाइब्रिड मोड होता है. तो हमने उसमें पहले तो कंपैरिजन किया कि हमें कौन सा मॉडल हमारे लिए बेस्ट रहेगा. तो सीरीज से ज़्यादा बेटर तो हमारा पैरेलल आया था, बट पैरेलल से भी बेटर हमारा जो होता है हाइब्रिड कॉन्फ़िगरेशन होता है. बट उसे बनाने में उसे काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है एंड वो काफ़ी ज़्यादा महंगा भी होता है, एक्सपेंसिव भी है. तो हमने जो मॉडल लिया था वो पैरेलल मोड कॉन्फ़िगरेशन लिया था, जिसमें कि हम मोटर भी यूज़ करते हैं और इंजन भी, हमने आईसी इंजन भी यूज़ किया था जो कि पैरेलली रन करते हैं, और हम डिपेंडिंग ऑन द डिमांड्स हम उन्हें पावर किसी से भी ले सकते हैं. तो इसलिए हमने उसमें पैरेलल मोड कॉन्फ़िगरेशन, हमने हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाई थी. तो आपने उसमें क्या किया था, आपका कंट्रीब्यूशन क्या था? सर मेरा कंट्रीब्यूशन था, मैं इंजन एंड ट्रांसमिशन डिपार्टमेंट में था. मेरा काम था कि इंजन कैसे वो ट्रांसमिशन होगा वहाँ शाफ्ट पर, उसका डिज़ाइन करना, शाफ्ट डिज़ाइन करना, और कैसे अरेंजमेंट करेंगे, कैसे हम डिफरेंट पार्ट लाइक मोटर को, बैटरीज को और इंजन को कहाँ कहाँ प्लेस करेंगे, ताकि हमारा ओवरऑल सेंटर ऑफ कॉन्फ़िगरेशन भी मेंटेन रहे और टॉपिंग से भी हमारी कार. इलेक्ट्रिक व्हीकल की मार्केट के बारे में क्या बोल सकते हैं आप इंडिया में, ईवी में व्हीकल, इलेक्ट्रिक व्हीकल? ओके प्रशांत, आप एनटीपीसी में भी आपने ट्रेनिंग किया था? एनटीपीसी में एटीपीएस, एटॉमिक सॉरी अमरकंटक थर्मल पावर स्टेशन. हाँ, तो क्या उसमें लर्न क्या किया था आपने वहाँ पे? सर हमने सर विजिट करने को मिला जहाँ टर्माइन कैसे काम करती है, और जैसे कैसे कहाँ बॉयलर है, डिफरेंट पार्ट्स, प्रेसिपिटेशन जो कहाँ होता है, ऐश हैंडलिंग कैसे हो रही है, डिफरेंट हमें इन सब चीज़ों को विजिट करने का और कैसे वर्क करता है इन सबको देखने का मौका मिला. ओके प्रशांत, मेरे को ये बताओ आप HPCL क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं? सर HPCL सर इज वन ऑफ द सर टॉप वन ऑफ द टॉप मोस्ट ऑयल एंड गैस रिफाइनिंग कंपनी महाराष्ट्र, इट्स आल्सो महाराष्ट्र कंपनी. सर इट प्रोवाइड्स मी अ गुड प्लेटफॉर्म टू एक्सप्लोर डिफरेंट डाइवर्सिफाइड वर्क प्रोफाइल्स, लाइक HPCL इज वर्किंग इन सेल्स ऑल्सो ऑपरेशंस मेंटेनेंस. And it, with HPCL, I will get an opportunity to work with different good technocrats, best technocrats of India also. And with HPCL, I think, sir, I can grow with the, as I see, it's a great opportunity, bright future, opportunity with this actually HPCL. And I think I can grow well with this. And with HPCL, I've seen many initiatives in renewable energy also. And it is its CSR activities like where in the society for peoples like healthcare in sector, in healthcare, in education. HPCL is working all these and all these sector in these areas also. And its vision like happiness at every step. Have you seen electric vehicle initiative of HPCL on our website or something? Sir, electric vehicles are electric vehicle stations. Sir, I have seen that. That HPCL is working on it. It has around like 1100 electric vehicles charging stations, and it is also making joint venture with different companies like Tata Power to make all this infrastructure for electric vehicles. Okay, Prashant, how do you define yourself as a person? Sir, I am a person. Sir, I am good. I am honest, and I am disciplined. Sir, and I am good teamwork, a good team player. Your long-term career objectives? Sir, my long term, sir, I want to be a
part of a good organization, so that I will take up some good leadership roles in that, and based on my gained experience and knowledge, I can use in that organization for the growth and development of the organization and myself. Okay, Prashant, let me give you feedback. Prashant, मेरे को लगता है introduction में आपने बोला मैं मध्य प्रदेश हूँ. मध्य प्रदेश में कहाँ से? बहुत बड़ा state है ना वो. Okay sir. तो थोड़ा सा specific बताओ आप मध्य प्रदेश में कहाँ से हो? Okay. और कहाँ से आपने ग्रेजुएशन किया, कॉलेज का नाम और कहाँ पे सिचुएटेड है वो थोड़ा डिटेल में बता के. उसके बाद आपने आपने बीटेक एमटेक के प्रोजेक्ट्स और बीटेक के इंटर्नशिप वगैरह काफी कुछ बताया. मेरे को लगता है आपको एक चीज पे फोकस करना चाहिए जहां से आप चाहें कि इंटरव्यू को पुल कर सके. अगर आपको लगता है बीटेक का प्रोजेक्ट आपने अच्छा किया तो आप उसी के ऊपर फोकस करें और इंटरव्यू को वहां पे एंड करें. उनको बहुत इंटरेस्ट नहीं है कि आपने बीटेक का प्रोजेक्ट किया, एमटेक का प्रोजेक्ट किया, इंटर्नशिप कहाँ से किया, उनको ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता. लेकिन आपको वो चीज बतानी चाहिए जो वहां वो आपसे पूछे. अब इलेक्ट्रिक व्हीकल में उनको इंटरेस्ट होगा तो आप बता सकते हैं कि मैंने बीटेक का जो प्रोजेक्ट था सर वो इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर था, जिसे मेरा रोल ये था जो मैंने आपसे बाद में पूछा आपका रोल क्या था. तो सर मेरा रोल उसमें ये था, वो खुद ही बता दें और इंट्रोडक्शन को वहां खत्म कर दें. बाकी एमटेक का प्रोजेक्ट बताने की रिक्वायरमेंट नहीं है, इंटर्नशिप कहां से की वो बताने की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो आपके एम्प्लॉयमेंट फॉर्म पे होगा तो वो वहां से देख लेंगे. आप सर एम्प्लॉयमेंट फॉर्म में वो जो ट्रेनिंग कोर्सेज है उसमें लिखना है ना वो ट्रेनिंग समर ट्रेनिंग. हां वो आप उसमें लिखो, मेरा वीडियो बना हुआ उसको देख के अकॉर्डिंगली करो.